हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हेमा मालिनी की जीवन कहानी के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं उसके जीवन की कुछ खास बातों के बारे में। हेमा का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिल इंगोर परिवार में हुआ था। उनका जन्म अम्मनकुंडी तमिलनाडु में हुआ था। हेमा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आंध्रा महिला सभा दिल्ली तमिलनाडु एजुकेशन एसोसिएशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल नई दिल्ली से पूर्व की, लेकिन इसके बाद शायद उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी नहीं की। हेमा के पति के जीवन में हेमा और उनकी बेटियों के अलावा उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके बेटे भी शामिल हैं, जिन्हें हेमा ने भी अपना परिवार का हिस्सा माना है। हालांकि हेमा के सनी और बॉबी के साथ खराब संबंधों की अफवाह आती रही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हेमा ने कभी भी धर्मेंद्र को अपने परिवार से दूर करने की कोशिश नहीं की है। हेमा की माँ जया लक्ष्मी चक्रवर्ती ने हेमा का करियर संभाला था और उन्होंने ही हेमा को तमिल फिल्मों की अभिनेत्री से लेकर बॉलीवुड की सुपरस्टार तक पहुंचाया। और इसी तरह हेमा भी अपनी माँ की तरह एक सशक्त माँ बनी, जिन्होंने न केवल अपनी बेटियों को बेहतर परवरिश दी बल्कि उनका करियर बनाने में भी मदद की। हेमा की बेटी ईशा देओल ने भारत तख्तानी से शादी की, वहीं आहना ने वैभव वोहरा से शादी की है। आहना के एक बेटा है डेनियल वोहरा। हेमा के भाइयों के बारे में भी साउथ में प्रतिष्ठित परिवार हैं, जो वहां के मीडियाओं में सुर्खियों में बने रहते हैं। हेमा अपनी शादी से पहले अपने माता पिता के बहुत करीब थी, लेकिन हेमा ने एक इवेंट में बताया कि एक समय पर उनके पिता उनकी शादी को लेकर बहुत चिंतित रहने लगे। उनकी बढ़ती उम्र और शोहरत के साथ शादी योग पर खोज पाना उनके लिए मुश्किल होने लगा था, इसलिए वह हेमा की कुंडली लेकर कई पंडितों के पास जाते थे। और जब उन्हें हेमा धर्मेंद्र के रिश्ते पर शक हुआ तो उन्होंने हेमा के साथ आउटडोर की शूटिंग में जाना भी शुरू कर दिया। हेमा ने माना कि वह और उनका परिवार धर्मेंद्र को पसंद करते थे, लेकिन वह उनमें अपना दामाद नहीं देख पा रहे थे। वैसे तो हेमा मालिनी बॉलीवुड में अभिनय के माध्यम से लोकप्रिय रही, लेकिन आकर्षक नैन नक्श के साथ उनका भरतनाट्यम का डांस भी किसी को मंत्रमुग्ध कर सकता था। उनके जीवन में 60 के दशक में भी वह उनकी सुंदरता को एक मानक के तौर पर देखा जाता है था। कुछ वर्ष पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने तो बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी की गालों के जैसे बनाने का दावा किया था। इससे ये समझ आता है कि राजनीतिक में आने पर भी उनकी चिरकालीन सुंदरता को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। हेमा ने 2007 में अपनी किताब हेमा मालिनी द ऑथराइज्ड बायोग्राफी में बताया था कि उन्हें जितेंद्र कपूर और संजीव कपूर दोनों ने प्रपोज किया था, लेकिन उन्होंने धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी बनना स्वीकार किया। हेमा ने माना भी है कि वह हमेशा से यही चाहती थी कि उनकी शादी सिर्फ उनसे हो जिसे वह प्यार करती है, लेकिन यह प्यार उन्हें शादीशुदा धर्मेंद्र से होगा ये उन्होंने नहीं सोचा था। वास्तव में इनकी शादी की कहानी किसी बॉलीवुड की फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। हेमा के पिताजी धर्मेंद्र के साथ उनकी शादी के खिलाफ थे और इस कारण जब तक वह जीवित थे हेमा की शादी नहीं हो सकी। संजीव कपूर उस समय अपने करियर के शीर्ष पर थे और वह हेमा को न केवल पसंद करते थे बल्कि उनके साथ सेटल भी होने चाहते थे। वहीं जितेंद्र पर परिवार की तरफ से शादी का दबाव था। उनका और हेमा का परिवार चाहता था कि वह दोनों शादी कर लें, जबकि हेमा और जितेंद्र एक दूसरे को अच्छा दोस्त ही समझते थे। जितेंद्र परिवार के दबाव के कारण ये बात मान गए और उन्होंने हेमा से शादी को हाँ कह दिया। दोनों परिवारों ने शादी के लिए कार्यक्रम तय कर लिए और हेमा के शहर जाकर शादी की तैयारी भी करने लगी। धर्मेंद्र को जब ये बात पता चली तो वह वहाँ पहुँच गए और उन्होंने फिल्मी अंदाज में शादी रुकवाया दी। वास्तव में हेमा ने तब सबके सामने ये मान लिया था कि वह धर्मेंद्र से ही प्यार करती है और उनसे ही शादी करेगी। हेमा को धर्मेंद्र से शादी करने के लिए अपना धर्म बदलना पड़ा। इसका कारण ये था कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वह पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते थे और धर्मेंद्र की पहली पत्नी ने उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया था। 21 अगस्त 1979 को हेमा और धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपना लिया था और फिर इन्होंने अपने नाम भी बदल दिए और इस्लामी रीति रिवाज से शादी कर ली। हेमा का फिल्मों में सफर आसानी से शुरू नहीं हुआ था। उन्होंने बॉलीवुड में आने से पहले तमिल फिल्मों में अपनी पहचान बनाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। लगातार कई बार रिएक्शन का सामना करने पर भी हेमा हार मानने वाले में से नहीं थी और वह आगे बढ़ती रही। 1961 में जब हेमा ने तमिल फिल्म में पहली बार एक्टिंग करने की कोशिश की तब इंडस्ट्री के डायरेक्टर सीवी श्रीधर ने उन्हें यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि वह फिल्मों की हीरोइन
बनने के लिए बहुत पतली है और उनका रोल विनीत दाई निर्मला को दे दिया गया। वैसे हेमा मालिनी का फिल्म करियर तमिल फिल्म पांडव वनवासम के साथ 1961 में हो गया था। इसके बाद हेमा ने सिंगार थेरे कुसिलाई में परफॉर्मेंस किया, जिसे सीर गाजी गोविंद राजन और LR ऐश्वरी ने गाया था। हेमा ने तमिल सिनेमा में मिले रिएक्शन के 4 साल बाद राज कपूर के सामने अपने सपनों के सौदागर के डेब्यू किया था। राज कपूर उस समय फिल्म जगत के क्रांतिकारी स्क्रिप्ट के साथ एक नए दौर का इतिहास रच रहे थे और ऐसे में हेमा को उनकी फिल्म में काम मिलना बहुत बड़ी बात थी। और वास्तव में बॉलीवुड में आने के बाद हेमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।